में राजस्थान प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवारों की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों के शहीद परिवार शामिल हुए। प्रेस वार्ता में शहीद वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 3 अक्टूबर 2018 को 1947 से 1970 की अवधि के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवार से एक अक्षित को रक्त संबंध के आधार पर सरकारी नौकरी देने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन वर्तमान सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के हित में जारी इस अधिसूचना का सम्मान न करते हुए शहीद सैनिकों की शहादत का अपमान कर रही है। पिछले 2 वर्ष से शहीद परिवार व शहीद वीरंगनाएं 75 से 80 साल की उम्र में सरकारी कार्यालयों, सैनिक कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयों के चक्कर लगा रही है और वहाँ से उनको संतोषप्रद जवाब ना देकर इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इससे शहीद परिवारों में आक्रोश है। प्रेस वार्ता में शामिल वीरंगनाओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही शहीद परिवारों की नियुक्ति प्रक्रिया में आरईवी संगतियों को दूर कर शहीद परिवारों में आश्रितों को सरकारी नियुक्ति प्रदान कर शहीदों की शहादत का सम्मान करें, नहीं तो शहीद वीरंगनाएं मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। राजस्थान के हर जिले से शहीद सैनिकों के आश्रित परिवार से हैं और पिछली भाजपा सरकार ने 3/10/2018 को एक अधिसूचना जारी की थी। उस अधिसूचना के अंतर्गत एक नियम निकाला था कि 1947 से लेकर के 1970 तक के जो शहीद परिवार हैं उनके एक शहीद आश्रित को रक्त संबंध के आधार पर, क्योंकि 1962, 1965, 1970 से पहले के काफ़ी जो ऑपरेशन हैं उनमें जो शहीद हो गए उनके बच्चे हैं वो ओवरेज हो गए थे, तो उसमें उनके बच्चों को तो मिल नहीं सकती थी नौकरी। उनके जो पोते हैं रक्त संबंध में लेकर के पोते या पड़पोते उनके जो भी वो रक्त संबंध में आते हैं अपने हिंदू विवाह नियम के अंतर्गत, उनको एक परिवार से एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस प्रोसेस को चलते चलते 22 साल होने को आ रही है। यहाँ सरकार के पास हम भटक भटक के परेशान हो गए हैं। सरकार रोज इसमें कुछ न कुछ नया नया रोड़ा अटका रही है और नियुक्ति प्रोसेस है उसको बहुत ही विलंबित कर रही है और इससे शहीद परिवार हैं वो सब में आक्रोश भी है और शहीद परिवार है वो टूट रहे हैं, शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है। हम सब इतने दिन तो हमने जो एक सही तरीके से जो सरकार के पास आवाज़ पहुंचाने के जितने भी तरीके थे उन तरीकों से हमने वहां पर जो ज्ञापन दे दिए विधायकों के थ्रू ज्ञापन देकर देख लिया, हमने खुद पर्सनली सीएमओ में जाकर के हम ज्ञापन देके आ चुके हैं, प्रताप सिंह जी खाचरियावास से पर्सनली मिल चुके हैं, उनके कोई कान के ऊपर जून नहीं रह गई है। उनके पास जब भी जाते हैं वो कुछ न कुछ बहाना मार करके 5 दिन बाद आना 10 दिन बाद आना ऐसे बहाने मार देते हैं। हम लोगों ने अब निर्णय किया है कि अब सरकार के साथ में हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, तो वो वाली बात हो रही है। यहाँ शहीद सम्मान किसी का बच्चा ही नहीं है, मतलब एक सैनिक शहीद सैनिक हो गया उसको आपने बलिदान कर दिया उसका भी आप अपमान कर रहे हो। वहाँ ये वीरांगना ही है, आप तो जरा वीरांगना को दिखाइए, इनकी उम्र देखिए, ये 75 से 80 साल की वीरांगनाएं हैं, उन वीरांगनाओं को भी है ना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवा रहे हैं। हमें बहुत इससे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा दुखी है, हम लोग शहीद परिवार है जितने भी, हमें ये लग रहा है कि हमारे जो परिवार से कोई गया है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है उसका बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। हम किसी भी विभाग में जाते हैं विभाग में भी सही तरीके से सुनवाई नहीं होती है, वहां पर भी वहां पर जो आईएएस अधिकारी है उनको भी सम्मान देना नहीं आ रहा है। पीछे से सैनिक कार्मिक विभाग की सचिव है जो रोली सिंह मैडम, उन्होंने भी एक आदेश निकाला था कि शहीद परिवार से कोई भी बंदा आता है तो उसको अधिकारी सही तरीके से टैकल करें, लेकिन उस जो आदेश निकला हुआ था उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। वहां पर भी जाते हैं तो वीरांगनाओं को मतलब सही तरीके से कोई ट्रीट नहीं करता और उनको उल्टा उल्टा और बोलते हैं। जैसे एक वीरांगना गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन अधिकारियों के, लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा, एक वीरांगना गई थी, उन्होंने अपना एक दत्तक पुत्र ले रखा है, दत्तक पुत्र ले रखा है, तो वो दत्तक पुत्र को साथ में लेके गई थी और ये नियम तो 2018 में निकला था लेकिन उन्होंने दत्तक पुत्र 2013 में ले लिया था। और ये अपन सबको पता है कि जिस वीरांगना के कोई परिवार में बच्चा नहीं है तो गोद सब लेते हैं, तो उन कलेक्टर साहब ने उन वीरांगनाओं को कहा कि आपने ये नियुक्ति नौकरी दिलवाने के लिए आपने इसको गोद लिया है, आप मुझे ये बताइए कि कोई गोद ले सकता है क्या? कोई गोद लेता है तो उसके सारे राइट्स हैं उसको मिलते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी में अपने किसी भी चीज में आप किसी को भी गोद लेकर के राइट्स दे दोगे क्या? मैं तो नहीं मानता ऐसे कोई देगा, तो मैं उन कलेक्टर महोदय को मैं कहूंगा कि मुझे गोद ले लीजिए, मैं तैयार हूं, मेरे को गोद ले लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टर का बेटा बनूंगा, मुझे कहां दिक्कत हो रही है। लेकिन उन्होंने ऐसे कैसे बोला उस वीरांगना कि आपने 2013 में 2018 का नियम था 2013 में उन्होंने गोद ले रखा था। ये सबको पता है बुढ़ापे के अंदर चाहे वो कलेक्टर हो राष्ट्रपति हो सबको जरूरत पड़ती है सारे की, परिवार में कोई ना कोई तो सहारा देगा, तो उन्होंने गोद लिया था। परिवार अभी भी धक्के खा रहे हैं, 1675 ज्यादा से ज्यादा शहीद परिवार होंगे अपने राजस्थान में, जिसमें 550 परिवार तो 1971 से लेकर के 1999 के बीच के हैं, जो भी 1971 से 99 वाले हैं वो 2008 में नियम निकला था उसमें भी विसंगतियां थी, सरकार को बता दिया लेकिन उसके बाद में भी वो विसंगतियां दूर नहीं हुई। उसके बाद में ये जो 1947 से 1970 का नियम निकला है इसमें भी वैसे ही विसंगतियां जारी कर दी। अब आप बताइए इस नियम के अंतर्गत लिखा हुआ है
कि जो शहीद हो गया 1965 से 1947 से सॉरी 70 के बीच में, उस परिवार में शहीद के भाई या बहन को नौकरी। अब आप बताइए 1965 में कोई शहीद हो गया, उसका भाई या बहन कहाँ मिलेगी नौकरी के लिए? यहाँ पर भाई या बहन का पुत्र लगना था या उनके परिवार से किसी सदस्य को लगाना था, क्योंकि रक्षाबंध में आ रहा है, ये रक्षाबंध की भी हमारे पास में कॉपी है जो हमारे पास में है। तो आप बताइए ये रोड अटकने वाली बात है या नहीं है, जानबूझ के अटकाया जा रहा है? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में हम 2 साल से भटक रहे हैं। यहाँ पर मुश्किल से जो झुंझुनू जिला है, यहाँ से हमने पहले आंदोलन किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा माहौल सही हुआ था, और यहाँ रवि जैन जी को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमारी समस्या को समझा था, और उन्होंने यहाँ पर 10 या 11 नियुक्तियां हो चुकी है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है इस नियम के अंतर्गत, 2 साल हो चुके हैं। अब हमारी ये है कि अब आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बाद में हम जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पर भी हम सारे प्रूफ हैं वो मीडिया बंधुओं के सामने आपके सामने रखेंगे। उसके बाद भी अगर मतलब 15 दिन के अंदर अंदर अगर सरकार हमारे को कोई सही तरीके से जवाब नहीं देती है या हमारे प्रतिनिधिमंडल को नहीं बुलवाती है करके बात नहीं करती है, तो उसके बाद हम 15 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद में अगर नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री निवास के सामने जाकर के हम वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, ये शहीद वीरांगना है, जब इनको 70-75 साल की 80 साल की उम्र में जब ये सरकारी कार्य चक्कर लगवा रही है, और ये शर्म की बात होगी कि शहीद वीरांगनाएं भी धरने प्रदर्शन में शामिल होना, ये हमें नहीं लगता, हम नहीं चाह रहे थे, हमें मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम नहीं चाहते थे कि शहीद वीरांगनाएं हैं उनको लेकर के, या शहीद परिवार है वो बहुत एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आंदोलन धरने प्रदर्शन राजनीति इनमें घसीटा नहीं जाना चाहिए उनको। हमारी यही मांग है कि हमें जानबूझ करके इतना वो हमें इस तरह से परेशान नहीं किया जाए, ये जो नियम निकला हुआ है उसके अंदर जो विसंगतियां उनको जल्दी से जल्दी दूर की जाए, और जल्दी से जल्दी ये नियुक्ति प्रक्रिया वो शुरू की जाए, और जो जिला वाइज जो कलेक्टर इस मामले को देख रहे हैं उनको भी वहां से आदेशित किया जाए कि अगर कोई शहीद परिवार आ रहा है तो उसका मामला है तो फटाफट देख करके वो अगर नियुक्ति के लिए पात्र है तो उसको नियुक्ति दी जाए। हमारे नौकरी नहीं दे तो साल होगी नौकरी नहीं देनी तो मैं मुख्यमंत्री गए हम नजार बैठा लो बहुत ज्यादा परेशान हो, और सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो सरकार दे रही है तो भेदभाव क्यों कर रहा है? सरकारी कार्य हम चक्कर काट रहे हैं, 2 साल हुई मैंने चक्कर काटता, कलेक्टर साफ सुथरा मिल गया, मुख्यमंत्री नहीं मिल गया, सबको मिल गया, नौकरी क्यों नहीं दे रहा?